हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इसे गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन दे देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर इसे गूगल

इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर इस मूवी के जनर के ऊपर, कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीज़ें क्या हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड कैंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डन को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दी है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इसे के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 73 तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है बस एवरेज सी और मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही टाइम डॉन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और सी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की यहां पर दो हजार 2004 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दी है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला, आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीज़ें क्या हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी क्शन को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इसे गूगल

अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर इस के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की, की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली एंड क्या अच्छी रखी रखी या बहुत बुरी तो हाँ, काफी अच्छे तरीके से की सारी सारी की डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन तारे को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक है आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज, मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इसे गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम डोरेन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर इस मूवी के जनर के ऊपर कि इस मूवी का जनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन दे देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड, एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी

कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम एवरेज तो तो हाँ सी और घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें यहाँ पर इस मूवी के जनर के ऊपर इस मूवी का जनर क्या है यहां पर आप लोग लोगों तो को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीज़ें क्या हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड क्या क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डन को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर Dakar, a. कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इसे गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड, एंड, एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीज़ें क्या हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड हैंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी क्शन को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या इसमें

कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड क्या क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन एक्शन को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इसे गूगल के

अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर जेनर के ऊपर के क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमेंस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं

डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे actors, अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हा काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इसे गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम डोरे है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर इस मूवी के जनर के ऊपर कि इस मूवी का जनर क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन दे देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका, विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर इसे गूगल के

अबाउट इस मूवी की टाइम है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं हैं। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड क्या -के अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला, आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी, सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड

कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या हैं तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड कैंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी क्ष को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इसे गूगल के

अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर इस के जेनर के ऊपर के क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमेंस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें डायरेक्शन की अच्छी या बुरी हाँ काफी अच्छे तरीके, सारी सारी की सारी -की सारी -की सारी तरीके से यहां पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या है पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो की हैं उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें। यहां पर इसे गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन दे देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड, एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर इसे गूगल के

राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर इस के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं हैं। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर इसे गूगल

अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी होनी चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर के जेनर के क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ें बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज, मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और सी इस मूवी की टाइम रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही टाइम डोरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही सी और सी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इसे Google के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी

लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे, अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इसे गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन दे देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड, एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इसे गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही सी है. दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीज़ें क्या हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड क्या क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी क्शन को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दी है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर इसे गूगल

अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी होनी चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर के जेनर के के क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या रोमांस तो इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा देख सकते हैं हैं। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड क्या अच्छी आठ रखी रखी या बहुत बुरी रकी? तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी सारी की डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की की सारी सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस दी है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेट्ली डेफिनेट्ली देना चाहिए। बाकी उसी के साथ इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही सी है. दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो डोरे बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहां पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड, एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आईएमडीबी रेटिंग में रखी गई है तो 5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इसे Google के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 73% तक इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ-साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस बेसिकली देखने को मिलेगा है. तो मेरे से तो बहुत ही सी है. दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें यहाँ पर इस मूवी के जेनर के ऊपर इस मूवी का जेनर क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कितने संभाली एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रन को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड uh, अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ना सिर्फ अच्छे अच्छे एक्टर्स बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की आप लोगों को परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग में जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अभिषेक बच्चन भूमिका चावला आयशा झुलका विजय राज मुकेश ऋषि और महेश मंजरकर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दी है और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग की कास्टिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई रेटिंग की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इसकी आई रेटिंग रखी गई है तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई है जो कि हाँ काफी अच्छी है और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें। यहां पर इसे गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्योरेशन है दो घंटे और दस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर के ऊपर कि इस मूवी का जेनर क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो आप लोगों को इस मूवी में एक्शन दे देखने को मिलेगा ये चीजें क्या है तो यहां पर आप लोगों को एक्शन प्लस रोमांस इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो किसने संभाली एंड, एंड क्या अच्छी रखी या बहुत बुरी रखी तो हाँ काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया गया है जीवा ने इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल की गई है है। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ की हैं तो हाँ रन उसी के साथ साथ ट्वेल्थ बी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने ही की हैं उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी जी फाइव पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए